हेलो। तो ये जो यूनिट वन है आपकी बॉटनी में माइक्रोब्स, उसकी फर्स्ट वीडियो है। इसके अंदर हम पहले वायरसेस को स्टडी करेंगे, ठीक है, वायरसेस को। तो और हम ये हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। वायरस की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, उसके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में, क्या उसका जनरल मैकेनिज्म है, ठीक है। देन हम स्पेसिफिकली ऑब्वियसली बात है, जब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कहना कि न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है, कि न्यूक्लिक एसिड जो जनरल जेनेटिक मटेरियल है आपका, वो आपका प्रोटीन से कवर्ड है। तो वो जेनेटिक मटेरियल भी आपका आरएनए भी हो सकता है, आपका डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो जो आपका डीएनए वायरसेस होते हैं उसमें स्पेसिफिकली टी फेज वायरसेस, यानी जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को, जैसे ई कोलाई, T1 फेजिस के बारे में बात करेंगे, जो ई कोलाई को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, टी फेजिस। फिर लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में बात करेंगे कि जब वे सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर एंटर करती हैं, तो दे कैन गो लाइटिक से, इधर लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल, ठीक है। आरएनए वायरसेस, ऑब्वियसली बात, जिस तरह डीएनए जेनेटिक मटेरियल था तो उसका एग्जांपल टी फेज पड़ा है, इस तरह जिसमें जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा उसका एग्जांपल होगा टोबैको मोज़ेक वायरस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से फिर डिस्कवरी रिवॉल्व, जिसके अराउंड डिस्कवरी रिवॉल्व करी, जिसकी हेल्प से हुआ है, ठीक है, वायरस का इजाद। उसके बाद करें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो बात करते हैं सबसे पहले वायरस की। इन सब चीज़ों, सारे टॉपिक्स को हम पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वायरसेस की बात करते हैं, तो वायरसेस क्या हैं? वायरसेस आर सिंपल, दे कैन नॉट बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि ए सेलुलर है। कॉम्प्लेक्सिटी कब बढ़ती है? जब सेलुलर से यूनि सेलुलर टू मल्टी सेलुलर, अब मल्टी सेलुलर से आपको टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन लेवल आएगा, देन टिश्यू से आपको ऑर्गन लेवल आया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल आया, तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रही है ना। बट जो चीज़ ए सेलुलर है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हुई, ठीक है, क्योंकि जब ए सेल, जब कंप्लीट सेल ही नहीं है, जैसे उसके अंदर आपके सेल के अंदर कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितने सारे सेल ऑर्गेनलीज हैं, है ना, आपका न्यूक्लिक मटेरियल भी है, आपका बहुत सारा सामान है उसके अंदर, एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो जो वायरसेस हैं वो क्या हैं? दे आर ए सेलुलर। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, दे आर जस्ट न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, ओके। तो उनमें क्या है आपका, कि आपका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, एंड इट इज़ कवर्ड बाय अ प्रोटीन, ठीक है। इससे क्या कहते हैं, जैसे आपका, क्योंकि ये आपका, हमने कहा था न्यूक्लियो प्रोटीन है, न्यूक्लिक मटेरियल कवर्ड बाय अ कहते हैं प्रोटीन, ठीक है, उस प्रोटीन को कह देते हैं हम कैप्सिड, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ, इट इज़ न्यूक्लियो, न्यूक्लिक मटेरियल है आपका, न्यूक्लिक मटेरियल है ना। सो कंबाइन फॉर्म में क्या कह सकते हैं, इट इज़ न्यूक्लियो कैप्सिड, इट इज जस्ट अ न्यूक्लियो कैप्सिड। अब इस उसके ऊपर ये होता है कि कुछ नेकेड हो सकते हैं, कुछ एनवलप्ड। अगर इसके अराउंड आपकी कोई एनवलप प्रेजेंट हुआ लिपोप्रोटीन का, तो हम कहेंगे एनवलप्ड है, अगर नहीं होगा तो हम कहेंगे नेकेड है, ठीक है। बट एक चीज़ कन्फर्म है कि वो न्यूक्लियो कैप्सिड तो होगा ही होगा, ठीक है। तो दे आर सिंपल ए सेलुलर एंटिटीज, दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन लिविंग सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो होस्ट के बाहर, जब अच्छा ये दो फेसेस में मिलेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा सेलुलरली मिलेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एंड एक आपको मिलेंगे इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर जब ये होंगे तो इन्हें वायरॉन्स कहते हैं जनरली, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि वायरॉन्स और वायरस में फ़र्क क्या है, ठीक है। और जनरली जब ये इंट्रा सेल्यूलर होता है तब इन्हें वायरसेस कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वायरॉन्स हैं
ठीक है, दे कैन नॉट रेप्लीकेट ना, एक्स्ट्रा सेलुलरली रेप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि रेप्लीकेट करने के लिए एटलीस्ट एक सेल तो चाहिए ही। जिस न्यूडलिंग मेटल बिना किसी एंजाइम सिस्टम के कैसे रेप्लीकेट करेगा, ठीक है। और इंट्रा सेलुलरली आपका ये जब एंटर कर जाते हैं तो होस्ट की मशीनरी को जैसे ना होस्ट की मशीनरी की हेल्प से है ना हाईजैक कर लेते हैं, दे हाईजैक दी होस्ट मशीनरी एंड दे डेवलप दी वायरॉन्स कंपोनेंट, ठीक है। मतलब अभी मैं इतना कहूँगा कि वायरस के पार्टिकल बनवा रहे हैं ना, अभी आपको कन्फ्यूज़न होगा वरना। तो ये क्या हुआ कि ये सेल के बाहर तो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक, दे आर नॉन लिविंग इन अ वे, दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड दी सेल होस्ट सेल एंड दे आर लिविंग इनसाइड दी होस्ट सेल, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं, और दैट्स वाई देर आर कॉल्ड कि वे ना लिविंग के अंदर आते हैं ना नॉन लिविंग के अंदर, ओके, दे आर लाइक अ ब्रिज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज वे आउट ऑफ द बॉडी दे आर नॉन लिविंग है ना, दे आर इनएक्टिव एंड बॉडी के अंदर आने के बाद वे रेप्लिकेशन शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास सामान ही नहीं है कि एक्टिविटी शो करेंगे है ना बॉडी के बाहर, ठीक है। सो दे आर लिविंग, दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली विद इन लिविंग सेल्स, सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दैट्स वाई ने क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, एक तो होता है फैकल्टेटिव, एक होता है ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव में हमारे पास चॉइस है कि ये हो भी सकते हैं, इनके पास दूसरा जरिया है, बट जब ऑब्लिगेट वर्ड यूज़ हुआ मतलब इनके पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है। इन्हें ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, ठीक है, मस्ट है कि इन्हें बॉडी में जब अगर ये एंटर करते हैं इंट्रासेलुलरली आते हैं है ना, तो आपका ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, इन्हें आना पड़ेगा एक्टिव स्टेट में होने के लिए। तो इतना क्लियर हुआ, फिर आपकी बात होती है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या है कि दो आपके साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट उस टाइम पे वर्ड यूज नहीं होता था है ना, अब कैन से इट, तो ये दो बंदे थे, ठीक है, लुईस पाश्चर एंड एडवर्ड जेनर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट वैक्सीन को बनाया, वैक्सीन को, बट इन्हें ये नहीं पता था कि वायरस एग्जिस्ट करता है। अब इसे ये क्या मतलब हुआ, एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे एक डिजीज चल रही थी स्मॉल पॉक्स, वो ह्यूमंस में चल रही थी और काव वगैरह में काव पॉक्स चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, काव पॉक्स से उस वहाँ का सीरम निकाल के उस काव पॉक्स में से एंटर कर दिया कि काव पॉक्स में ऑलरेडी एंटीबॉडीज कहने की फॉर्म होंगी, ठीक है। उन्होंने क्या कर दिया कि आपकी उनके उसमें डाल दी, ये कहते हैं ह्यूमंस में इंजेक्ट कर दी है ना, तो ह्यूमंस ट्रीट होने लगे, उनका स्मॉल पॉक्स ट्रीट होने लग गया। अब ये सिस्टम हमें पता है कैसे वर्क करता है, ठीक है, इम्यूनिटी का, कैसे आपकी वैक्सीन एंटीबॉडीज क्रिएट करवाते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स कैसे क्रिएट करवाते हैं, बट उस टाइम पे उन लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं थी क्योंकि वायरस की एग्जिस्टेंस के बारे में भी अवेयर नहीं थे। तो वो वर्क भले ही कर रही थी बाई चांस, बट उन्हें ये नहीं पता था कि उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है उस डिजीज़ का, ठीक है। सो वायरस के बारे में चाहे उन्होंने वैक्सीन क्रिएट कर लिए थे अगेंस्ट अ वायरल इन्फेक्शन, बट दे डोंट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ वायरसेस, ठीक है। तो वायरसेस के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या पता चला, ठीक है, अब उसकी बात करते हैं। एक बंदा था, ठीक है, उससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक फ़िल्टर पेपर का इन्वेंशन हुआ, चैम्बरलैंड ने एक फ़िल्टर पेपर को इन्वेंट किया जिसका नाम था चैम्बरलैंड फ़िल्टर पेपर, या फिर कहते हैं बैक्टीरियल फ़िल्टर पेपर। क्यों, तो बैक्टीरिया के बारे में पता था श्वास से, ठीक है, बिकॉज दे आर लार्ज इनफ टू सी बाय लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे, जबकि वायरसेस इतने छोटे थे कि वो लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते, उन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए देखने के लिए एटलीस्ट, ठीक है। और उस टाइम पे वो था नहीं, इसलिए कहने की एग्जिस्टेंस के बारे में उनको लोगों को नहीं पता था, ठीक है। तो बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया तो आपका मतलब वो पोर्स इतने होते थे कि बैक्टीरिया तो आपको रिटेन कर जाए, बट वायरसेस ऐसे सब्सटेंसेस फिल्टर आउट हो जाते थे, तो कभी इसलिए पता भी नहीं चलता था। बट इसी फिल्टर का पेपर का यूज़ करके 1892 में दिमित्री इवानोव्स्की ने क्या किया कि प्लांट होता है टोबैको प्लांट, ठीक है, उस पर वो डिजीज्ड कंडीशन तो दिख रही थी उन्हें ना,
उसकी मॉर्फोलॉजी में दिख जाएगी आपको डिजीज, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल आस्पेक्ट में देखने से आपको पता चल जाएगा कि यार जो पौधा है उसमें कोई ना कोई बीमारी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि स्पेकुलेट किया यार ये बैक्टीरिया ने किया होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसके सैप को, उसका घोल बनाया, उसका सैप फॉर्म किया, उसके सैप को चैम्बरलैंड के फिल्टर पेपर से पास आउट किया, ठीक है। अब उन्होंने एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, हुआ कि अब मैंने सैप को फिल्टर आउट कर दिया बैक्टर के फिल्टर चैम्बरलैंड फिल्टर पेपर से, तो अब ये सैप आपको डिजीज़ फ्री होना चाहिए और एक हेल्दी टोबैको प्लांट में डिजीज़ कॉज नहीं करना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने उसे इन्फेक्टेड सैप को स्प्रे किया हेल्दी प्लांट पे, तो अगेन वो डिजीज हो गया ना, उसमें भी आपको टोबैको मोजैक वायरस के थ्रू डिजीज़ हो गई। तो तब उन्होंने इस तरह उन्हें पता चला कि कोई ना कोई सब्सटेंस, कोई ना कोई एंटिटी ऐसी है जो बैक्टीरिया से भी छोटी है, जो फिल्टर आउट हो गई और उसने दोबारा डिजीज़ कॉज कर दी हेल्दी टोबैको प्लांट में भी, ठीक है। तो उन्हें उसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया वायरसेस की, बट वो वाली बात है कि नाम नहीं दिया गया, ठीक है। फिर और साइंटिस्ट आए जैसे मार्टिनेस बिजरिंग, उन्होंने क्या किया, उस इन्फेक्शियस सब्सटेंस को फिल्टर किया और उसे एक उसे उन्होंने नाम दिया, ठीक है, वायरसेस, उन्होंने वो टर्म कॉइन करी, ठीक है। और एक आपका ये आपकी टर्म भी स्टेट करी उन्होंने, कंटेजियम वाइवम फ्लूडियम, उसे एक्सप्लेन करते हुए कि वो इट इज़ लिविंग वायरस, इज लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, ठीक है। फिर आपके FWT वॉल्ट एंड FHD हार्डले, इन्होंने आपको डिस्कवर किया बैक्टरोफेजेस। अब आपके हम आगे पढ़ेंगे वायरसेस तीन टाइप के ऐसे मिल जाते, इस बेसिस पर क्लासिफाइड किया जाता है कि सर्टेन आर सर्टेन कॉज डिजीज इन प्लांट्स, है ना, कुछ एनिमल सेल्स में डिजीज कॉज करेंगे और कुछ बैक्टीरिया में करते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे भी आपको डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो बैक्टीरिया के बेसिस को, जो बैक्टीरिया को आपका इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरियल होस्ट सेल को, ठीक है, तो वो बैक्टीरियोफेजेस कहलाए जाएंगे। फिर आया स्टैनली, स्टैनली ने क्या किया, STMV को क्रिस्टलाइज किया, उन्होंने पाया कि क्रिस्टलाइज करने के बाद भी वे इन्फेक्टिविटी को काफ़ी लंबे समय तक रिटेन कर सकते हैं। फिर बॉर्डन एंड पीरी आया, उन्होंने क्या बताया, उस वायरस का नेचर बताया कि व्हाट आर दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन, की न्यूक्लिक मटेरियल को प्रोटीन ने कवर कर रखा है, ठीक है। जिस प्रोटीन को हमने कैप्सिड कहा तो वो न्यूक्लियो कैप्सिड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस की, हमें पता है दे आर दे डो नॉट अकर फ्री नेचर, फ्री इन द सेंस मीन्स दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म, हम उन्हें एक्टिवली नहीं पा सकते, ठीक है। ये फ्री रेप्लिकेटिंग नहीं मिलेंगे आपको नेचर में, उन्हें रेप्लिकेट करना होगा तो उन्हें बॉडी के अंदर आना होगा, एंड दैट्स व्हाई देयर कॉल्ड ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट, उन्हें एक्टिविटी शो करनी होगी, तो वे तभी एक्टिव माने जाएंगे, वे तभी लिविंग माने जाएंगे जब वे होस्ट सेल के अंदर होंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं पर भी एक्टिविटी शो करेंगे होस्ट सेल की मशीनरी से, ठीक है। एंड दे कैन नॉट बी कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, तभी वे जो तभी हम ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कह रहे हैं, और ये आपके बॉडी के अंदर ही उम्र इन्हें होस्ट सेल चाहिए ना, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड, इवन कल्चर मीडिया में भी नहीं कर सकते, जो हम Unit 3 पढ़ रहे हैं उसके अंदर माइक्रोबायो के अंदर, ठीक है। तो ये आपका इवन रेप्लिकेट नहीं कर सकते आर्टिफिशियल मीडिया में। अच्छा, फिर ये वाली बात जो हमने पहले बताई आपकी, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली माइक्रोस्कोपिक, और इसी वजह से इनका इनकी डिस्कवरी में प्रॉब्लम आ रही थी, जो मैंने बताया कि दे कैन ओनली बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उस टाइम पर लाइट माइक्रोस्कोप ही था, ठीक है, तो वे देख नहीं सकते, तो इसी वजह से हम उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत टाइम तक पता नहीं चला, अनलेस दिमित्री मैनोवस्की केम एंड दे सॉल्व द मिस्ट्री, है ना। और इनका साइज रेंज क्या है आपका, 100 to 2000 मिली माइक्रोन, ठीक है। इनके नेचर के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है, न्यूक्लियो कैप्सिड है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड जीनोम इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कैप्सिड, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक मटेरियल है, वो आपका प्रोटीन की कवरिंग से कवर्ड है। अब कुछ वायरसेस में आप बस इतना ही हो सकता है कि आगे और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और कुछ वायरसेस, और तब हम उन्हें कहेंगे नेकेड वायरस, और अगर इनके अराउंड
कोई लिपोप्रोटीन का कवरिंग हुई, ठीक है, तो हम कहेंगे उस लिपोप्रोटीन की कोई मेम्ब्रेनस कवरिंग है, तो हम कहेंगे कि एनवलप्ड है वो वायरस, क्या एनवलप्ड। सो इस बेसिस पे ये तो नेकेड वायरस होंगे जिनमें सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन न्यूक्लियो कैप्सिड होगा, या फिर जिनमें न्यूक्लियो कैप्सिड के अराउंड मेम्ब्रेनस एनवलप भी होगा, उन्हें हम कहेंगे एनवलप्ड वायरसेस, ठीक है। अगर हम उस जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी बात करें तो इट कैन बी आरएनए और इट कैन बी डीएनए। और वो आरएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, वो डीएनए भी डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, एंड इट कैन बी लीनियर और सर्कुलर, ठीक है, वो लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। और इसी ठीक है, फिर हम बात करते हैं कैप्सिड की, जो उसके अराउंड कैप्सिड है। अब उसकी भी जो सिमेट्री है, जो उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उस बेसिस पे हमने उसे तीन में डिवाइड कर दिया, जो तीन मेन पड़ते हैं, हेलिकल, आइकोसाइड्रल और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, ठीक है। हेलिकल समथिंग एक स्पायरल पैटर्न होता है, ठीक है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब की तरह। और आइकोसाइड्रल क्या होता है, अब कई जगह पॉलीहेड्रल पढ़ोगे, पॉलीहेड्रल में भी कई सारे टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो आइकोसाहेड्रल उस जो सिमेट्री है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीहेड्रल, ठीक है, पॉलीहेड्रल की एक टाइप है। और यही सबसे मेन, यही सबसे कॉमनली यूज होती है, ठीक है, वायरसेस के अंदर, अगर हम जिनकी पॉलीहेड्रल सिमेट्री है, क्योंकि तो ये काफ़ी जैसे ना स्पेस को काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ करती है, बड़ी कॉम्पैक्ट होती है। तो आइकोसाहेड्रल, ठीक है, इनमें आपके 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं और आपके 12 वर्टिसेस होती हैं, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे अभी। देन कम्स कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, ठीक है, जो ना हेलिकल होंगे ना आइकोसाहेड्रल होंगे, जो आपका स्पीशीज टू स्पीशीज और विकेंस वायरस टू वायरस वेरी करेंगे, ठीक है। अब देखो, उन्होंने कहा है कि दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ प्रोटोमर्स दैट सेल्फ असेंबल थ्रू नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स। अब इसे समझना है, कई जगह आप पढ़ोगे कि कैप्सिड जो है, ठीक है, वो आपके प्रोटोमर्स से बने हैं, कई जगह आप पढ़ोगे कैप्सिड जो है आपका कैप्सोमेयर्स से बने हैं, ठीक है। तो इनका फंडा क्या है, अब लेट हम अज्यूम करते हैं कि कैप्सिड जो है, ठीक है, जो एक 3D स्ट्रक्चर है वो, लेट ये एक वॉल है, ठीक है, हमने उसका एक पीस लिया और ये कैप्सिड जो है ये एक पूरी वॉल है। फर्स्ट, ठीक है, ये कैप्सिड पूरी वॉल है, ठीक है। अब ये जो हर एक सेपरेट ईंट है, ठीक है, हर एक सेपरेट ईंट जो ब्रिक है वो आपकी क्या हुई, प्रोटोमर्स कि प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन क्या, ये प्रोटीनेशियस है आपका कैप्सिड, प्रोटीनेशियस नेचर का कैप्सिड आपका, ठीक है। तो जो प्रोटीन यूनिट है, सिंगल प्रोटीन यूनिट, वो क्या है, प्रोटोमर्स, ठीक है। तो आपके सारे, तो मैं कह दूंगा सारे सारे ब्रिक प्रोटोमर्स हैं। तो मैं ये अभी ये कह सकता हूँ कि जो कैप्सिड है वो किससे बना है, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटोमर्स, सिंगल प्रोटीन यूनिट प्रोटोमर्स। अब मैं कहूँगा कि कैप्सोमेयर्स क्या है, कि अब मैंने कुछ ब्रिक, कुछ इस वॉल का पोर्शन कैप्सोमेयर मान लिया, ठीक है, जिसके अंदर सर्टेन ब्रिक्स आती हैं, ठीक है, सर्टेन ब्रिक्स आ रही हैं इसके अंदर। तो अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो कैप्सोमेयर वो किससे बने, प्रोटोमर्स से, है ना। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपके जो कैप्सिड है वो किससे बनी है, कैप्सोमेयर से, ठीक है, एक कैप्सोमेयर, दूसरा कैप्सोमेयर, तीसरा कैप्सोमेयर, है ना। तो ये एक जो आपके प्रोटोमर्स है वो तो क्या है, सिंगल प्रोटीन यूनिट मस्ट, ठीक है, या सिंगल प्रोटीन सब यूनिट, ठीक है। और जो आपका कैप्सोमेयर है वे जनरली सिंगल यूनिट नहीं होते, ठीक है, दे आर दे देमसेल्व्स आर मेड अप ऑफ प्रोटोमर्स, ठीक है। तो कैप्सिड आपका किससे बना है, एक तरीके से कैप्सोमेयर से बना, कैप्सोमेयर किससे बने, आपके प्रोटोमर्स से बने हैं, ठीक है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कैप्सिड प्रोटोमर्स से बने हैं, क्योंकि पूरी वॉल भी हम कह सकते हैं इंटो से बनी है भाई, है ना, या फिर सर्टीन। तो मतलब आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो भाई। तो
एंड ये वाली बात, जैसे ना ईंटों को हमें कोई उस वॉल को बनाने वाला चाहिए होगा जो हर ईंटें प्लेस करेगा, बट इनमें किसी इन्हें किसी और चीज़ की हेल्प नहीं पड़ती चाहिए प्रोटोमर्स को, ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू सेल्फ असेंबल हो जाते हैं, ठीक है, एंड दे कंस्ट्रक्ट द कैप्चर्ड देमसेल्व्स। तो ना कोई और चीज़ नहीं चाहिए इन्हें अरेंज करने के लिए, वो कैप्चर फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली बात है जब ए सेलुलर होंगे तो ना कोई सेल वॉल होगी, बिकॉज दे आर सिंपल यार, ठीक है, नो सेल वॉल, नो न्यूक्लियस, नो प्रोटोप्लाज्म, नो सेल ऑर्गेनलीज, और इसी वजह से डिवाइड भी नहीं कर सकते बॉडी के बाहर, मतलब होस्ट सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलरली, एंड दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड बाय बैक्टीरियल फिल्टर पेपर जो हमें पता है। और अब ये बात लिखी है, वायरसेस दो फेसेस में एग्जिस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंट्रा सेलुलर भी, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर, अब हम यहाँ डिफरेंस पढ़ेंगे वायरम्स और वायरसेस का, ठीक है, जो दो मेन डिफरेंस हैं कहने के, कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फेस होता है उसे वायरम्स कहते हैं, और जो इंटर सेलुलर फेस होता है जब वो सेल होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा तो उसे कहेंगे वायरस, ठीक है। अब एक एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरी बात क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपका, जैसे ये अगर हम नेकेड वायरस की बात करें, ठीक है, चाहे एनिमल हो चाहे नेकेड हो, अगर हम उसके पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियो न्यूक्लिक एसिड है जिसमें जिसमें कैप्सिड है, और अगर एनवलप्ड है तो उसमें एनवलप के साथ, ठीक है, कि एनवलप की भी है, ठीक है, तो ये कंप्लीट वायरॉन है, ठीक है। अब जब ये एंटर कर जाएगा होस्ट सेल के अंदर और ये सारा स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, बस न्यूक्लिक एसिड बचेगा, ठीक है। अब वो रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो ही उसे हम क्या कहते हैं, वायरस, उस रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड को हम क्या कहेंगे, वायरस, समझ गए। अब ये जो वायरस है, इट इज दिस रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इज गोइंग टू इंस्ट्रक्ट होस्ट मशीनरी टू नाउ टू बिल्ड, एक तो मोर जेनेटिक मटेरियल है ना, और वायरसेस के पार्टिकल, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है, एंड जो ये कैप्सिड है, और अगर आपका एनवलप भी है, ठीक है, तो उसे भी आपका कंस्ट्रक्ट करवाएगी बॉडी के बॉडीज में, आपका होस्ट सेल में, ठीक है। फिर क्या होगा, वो जो सारे कंपोनेंट्स बने हैं फिर उनकी असेंबलिंग होगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वायरस है, जो रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड है, वो होस्ट सेल में क्या बनवाएगा, वायरॉन्स के कंपोनेंट को, कि वायरॉन ये कंप्लीट है ना, जो न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड है उसे हम वायरस कह रहे हैं, तभी हमने कहा इंट्रासेलुलरली वायरस, ठीक है, जब वो आपका रिप्लिकेट कर रहा है तो वो आपका खाली रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड वायरस है, ठीक। और जब वो आप, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका वायरस है वो आपके क्या बनवा रहा है, वायरॉन से कंपोनेंट कैप्सिड बनवा रहा है ना, और अगर एनवलप होगा तो एनवलप बनवाएगा, और भी जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो बनवा रहा है, तो वायरॉन से कंपोनेंट बनवा रहा है। फिर क्या होगा, उस वायरॉन से कंपोनेंट आपके होस्ट सेल में असेंबल करेंगे, है ना, जुड़ेंगे और कंप्लीट वायरन पार्टिकल्स बन जाएंगे, जो जब सेल बर्स्ट करेगा, लाइसिस होगा सेल का, तो ये वायरॉन्स के पार्टिकल बाहर आ जाएंगे। तो देखो कहना कि इंट्रासेलुलरली भी है, बने हैं ना एक पॉइंट पे आके, ठीक है। तो इससे हमसे कन्फ्यूज ना करना कि हाँ आपने तो कहा था भाई एक्स्ट्रा सेलुलरली है, सिर्फ होते एक्स्ट्रा सेलुलर हैं, मेजर टाइम इनका एक्स्ट्रा सेलुलरली गुजरता है वायरॉन्स का, क्योंकि अभी फिर जाएंगे देखो, और आपका वायरस पार्टिकल इंडिविजुअल सेल में जाएगा, जब वो सेल में जाएगा तो ऑब्वियसली बात है फिर आपका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा उसके और कंपोनेंट्स, और फिर वो वायरस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो एक ये डिफरेंस भी है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर को वायरॉन कह रहे हैं, है ना, जो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है, और जो उसका सिर्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक पार्ट है वो वायरस होता है, ठीक है। वायरॉन आपका जनरली आपका एक्स्ट्रासेलुलरली एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जहाँ पे उस फॉर्म में ही मेन टाइम में रहता है मैक्स ऑफ द टाइम, और जो वायरस फॉर्म है वो आपके इंट्रासेलुलरली है, ठीक। फिर आपका आता है दे लैक दी एंजाइम्स, दे लैक देर ओन एंजाइम सिस्टम, उनका खुद का एंजाइम सिस्टम नहीं होता, बट दे इंटरेक्ट विद दी होस्ट एंजाइम सिस्टम,
ठीक है, एंड सिंथेसाइज न्यू वायरस पार्टिकल्स। तो उनका खुद का एंजाइम सिस्टम नहीं होता, ऑब्वियसली बात है, ये सेलुलर एंटिटीज हैं सर्ट। अच्छा ये वाली बात ये कि कभी कभी कोई कोई एंजाइम होते हैं प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें रेप्लिकेट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। हम इसमें आगे देखते हैं, एक वायरस होता है TMV में ही होता है या फिर इन्फ्लुएंजा में होता है, मैं अभी बताऊंगा। तो वो उन्हें रेप्लिकेट करने में हेल्प करता है, एज अ टेम्पलेट एक्ट करते हैं ये बार, ठीक है, वो एंजाइम्स में। तो बट इतने इतना नहीं होगा वो एंजाइम सिस्टम कि जो वो बिना किसी होस्टल में जाए रेप्लिकेट कर ले बात, ठीक है। ये आपकी बात मस्ट है वायरसेस के लिए, दे कैन नॉट रेप्लिकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल। फिर ये वाली बात है कि ये हाईली इन्फेक्शियस होते हैं और डिजीज़ को आपकी स्प्रेड करेंगे, और कोई अगर ऑर्गेनिज्म है और वो डिज़ीज़ कॉज कर रहा है तो उसकी डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिटी, ठीक है, पैथोजेनेसिटी। तो अभी आपका बैक्टीरिया भी कॉज कर सकते हैं, आपका सर्टेन फंजाई भी कॉज कर सकते हैं, आपका वायरस भी कॉज करता है, ठीक है। तो हम यहाँ वायरसेस की बात करें तो वे आपके स्पेशल काइंड ऑफ पैथोजेनेसिटी कैसे कॉज शो करते हैं कि वे आपके एक सर्टेन टेम्परेचर पे है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, और कहीं ना कहीं जैसे कोरोना वायरस के केस में भी ट्रंप ने कहा था कि जो वायरसेस हैं, जब ये जो कोरोना वायरस है जब गर्मी आएंगे तो अपने आप सही हो जाएगा, उसके भले ही वो नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ वो डिस्कस करते हैं, बट उसके अंदर स्टिल कहने की वो साइंटिफिक जो नॉलेज थी वो अप्लाइड थी, एक रीज़न था क्यों, क्योंकि तो जो वायरसेस होते हैं वे टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं बड़े, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर अपनी पैथोजेनेसिटी शो करेंगे एक रेंज में, ठीक है। और हाई टेम्परेचर में जो आप करीबन 56 to 70 डिग्री सेल्सियस में अगर वो 30 मिनट्स तक रहें तो वे इनर्ट हो जाएंगे, पैथोजेनेसिटी नहीं रहेगी उनके अंदर, ठीक है, दे कैन नॉट कॉज डिजीज। तो ये फंडा था, बट इतना टेम्परेचर कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ये मतलब उस कहीं ना कहीं बात उसमें साइंस भी थी, सही भी थी कि हाई टेम्परेचर में इनर्ट हो जाते हैं, बट इतना टेम्परेचर आपको मिलता नहीं कहीं पे, ठीक है। दे आर हैप्लॉइड एंड देर अनफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आपके बैक्टीरिया के लिए होते हैं, उसे इन्फेक्टेड होते हैं, इसलिए इनके लिए एंटीवायरल्स फॉर्म करी जाते हैं, फिर एंटीबॉडीज़ फॉर्म की जाती हैं, है ना, जो वैक्सीन जो वैक्सीन बनाया जाता है उसमें ये होता है, एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं, एंटीबॉडीज़ मीन्स फॉर्म कराई जाती हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी, और ये आपके pH में भी देखो काफ़ी सिर्फ 5 to 9 pH, इसके अंदर बॉडी वाली तो आई जाती है जो हमारी बॉडी की pH है इस रेंज में, बट ये 5 to 9 pH ही एक्टिविटी शो करता है। अब इन्हें अगर हमें वैसे एक्टिव रखना है तो ग्लिसरॉल्स और 50% ग्लिसरॉल सॉल्यूशन में काफ़ी लंबे टाइम तक एक्टिव रहेंगे, और आपके इथाइल अल्कोहल से और एसीटोन से प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, तभी हम जो हमारे सैनिटाइजर्स हैं उसके अंदर इथाइल अल्कोहल ही होता है, तो वहाँ पे भी फंडा है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं इसकी वजह से ही, इथाइल अल्कोहल और एसीटोन की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर वायरसेस से कंटिन्यू करेंगे कि जो कैप्सिड है, ठीक है, मैंने कहा था न्यूक्लियर कैप्सिड है, तो उस कैप्सिड की सिमेट्री के बेसिस पर मैंने पढ़ा था ना हेलिकल लाइकोसाहेड्रल एंड कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, तो उसके बेसिस पर वायरस को डिवाइड किया जाता है। एक तो आपका डिवीज़न है एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, और आपका जो बैक्टीरिया वायरस हैं, बैक्टीरियोफेजेस कह रहे हैं जिन्हें हम, ठीक है, एक तो वो भी कई जगह पर आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा, बट मेन क्लासिफिकेशन इस सिमेट्री के बेसिस पे होता है, जो कैप्सिड है ना इसकी सिमेट्री के बेसिस पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।